नमस्कार, मैं गुनगुन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। साबरमती टू प्रयागराज पार्ट टू, अतीक अहमद को फिर ला रही यूपी पुलिस। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद को लेने उत्तर प्रदेश पुलिस गुजरात पहुंची। अहमदाबाद की साबरमती जेल के बैरक नंबर 200 में बंद अतीक अहमद को यूपी पुलिस सड़क के रास्ते प्रयागराज ला रही है। 16 दिन में दूसरी बार अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। इससे पहले 26 मार्च को पुलिस अतीक अहमद को प्रयागराज लाई थी। इस बीच माफिया अतीक अहमद के खिलाफ यूपी में एक और FIR दर्ज की गई है। 4 साल पुराने मामले में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक अहमद और उसके बेटे अली अहमद समेत 13 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोप है कि अतीक अहमद का बेटा अली अहमद और उसका गुर्गा असद कालिया साबिर के घर पहुंचा था और फोन पर जेल में बंद अतीक अहमद से बात कराई थी। इस दौरान अतीक अहमद के खिलाफ चल रहे मुकदमों की पैरवी बंद करने की धमकी दी गई और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, RSS की रैली पर रोक की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने RSS के रूट मार्च के खिलाफ दायर तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें हाईकोर्ट ने RSS को मार्च निकालने की अनुमति दे दी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने मामले की सुनवाई की। RSS की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा था कि अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने के अधिकार को बिना किसी बहुत मजबूत आधार के रोका नहीं जा सकता। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ शुरू किया अनशन, CM गहलोत दिखा रहे नंबर 1 राज्य बनाने का सपना। राजस्थान के जयपुर में अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन किया। सचिन पायलट के अनशन पर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आपत्ति जताई और इसे पार्टी के हितों के खिलाफ बताया है। सचिन पायलट का ये कदम राजस्थान सरकार के लिए चुनौती बन सकता है क्योंकि राज्य में करीब 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। वहीं एक तरफ जहां सचिन पायलट ने अनशन शुरू कर दिया है तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान को नंबर 1 राज्य बनाने का सपना दिखा रहे हैं और इसी को लेकर योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 बनाना है। CM गहलोत ने ये भी कहा कि राज्य में महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। सोनिया गांधी का बड़ा आरोप, लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे मोदी। कांग्रेस संसदीय पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी ने द हिंदू अखबार के संपादकीय पेज पर लिखे लेख में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभों को सिस्टमैटिक तरीके से नष्ट किया है। बीजेपी सरकार ने विपक्ष को जनता की आवाज उठाने से रोका। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मीडिया को डरा धमका कर उसकी स्वतंत्रता छीन ली है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए सोनिया गांधी ने लिखा कि बीजेपी में जाने वालों के खिलाफ मुकदमे चमत्कारी रूप से गायब हो जाते हैं। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की भाषा पर सवाल उठाए और लिखा कि बीजेपी और RSS नेताओं के नफरती बयानों पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। इसी तरह चीन के साथ सीमा विवाद के मसले पर भी सच नहीं बोलते। सोनिया गांधी ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी समान विचारों वाले दलों के साथ मिलकर संविधान की रक्षा के लिए हर कोशिश करेगी। बजाई खतरे की घंटी, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 37,000 के पार। देश में एक बार फिर कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,676 नए मामले सामने आए हैं जिसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 37,093 हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 176 नए कोरोना केस मिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा 61 संक्रमित लखनऊ से हैं। यूपी में अब कोरोना के एक्टिव केस 1,282 हो गए हैं जबकि बीते 31 मार्च को 352 सक्रिय केस थे। इस हफ्ते देश में कोरोना मामलों में 79% का उछाल आया है जो पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा है। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस सप्ताह कोविड से 68 मौतें हुई जो पिछले सप्ताह 41 थी। पढ़ाई पर रोक के बाद तालिबान सरकार ने महिलाओं के खाने पर लगाई पाबंदी। अफगानिस्तान में पिछले 1 साल से तालिबान के सत्ता में आने के बाद महिलाओं की स्थिति खराब होती जा रही है।
तालिबान सरकार ने अब हैरात प्रांत में बगीचों या हरे भरे स्थानों वाले रेस्तरां में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। तालिबान सरकार ने यह फैसला मौलवियों की शिकायत पर लिया है। मौलवियों ने कहा था कि ऐसी जगहों पर पुरुषों और महिलाओं की भीड़ होने लगी है। अफगान अधिकारियों ने कहा कि हिजाब ना पहनने और महिला पुरुष के एक जगह पर होने की वजह से प्रतिबंध लगाए गए हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार हैरात में उप मंत्रालय और सदाचार निदेशालय के उप अधिकारी बाज मोहम्मद नजीर ने कहा कि प्रतिबंध केवल हरे भरे क्षेत्रों वाले रेस्तरां पर लागू होता है, जैसे पार्क आदि। अब जोधपुर के रॉकी भाई ने दी सलमान खान को धमकी, मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार जोधपुर के गौरक्षक रॉकी भाई ने सलमान खान को धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धमकी में कहा गया है कि वह 30 अप्रैल को सलमान खान को जान से मार देगा। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और सलमान खान की सुरक्षा में तैनात जवानों को सजग रहने के निर्देश दिए हैं। समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट में मुंबई पुलिस के हवाले से कहा है कि कल पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया और उस व्यक्ति ने खुद को राजस्थान के जोधपुर का रॉकी भाई बताया। उसने बताया कि वह 30 अप्रैल को सलमान खान को जान से मार देगा। इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। सलमान खान ने हाल ही में बुलेट प्रूफ निसान SUV कार खरीदी है। पुलिस की ओर से सलमान की सुरक्षा बढ़ाने के साथ उन्हें हथियार रखने के लिए लाइसेंस भी मुहैया कराया गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।